चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ग्वालियर पहुंची तो कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने ई रिक्शा में उनको खूब घुमाया। विधायक पाठक ने खुद रिक्शा चलाया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ करने पहुंची थी। शुभारंभ के बाद प्रयोगशाला का अवलोकन भी किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ग्वालियर पहुंची तो कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने उन्हें ई रिक्शा में बैठाकर खुद रिक्शा चलाया और उन्हें जयरोग्य अस्पताल परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंचाया। मंत्री महोदया ने ई रिक्शा में पहुंचकर ग्वालियर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कमला राजा अस्पताल सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने जयरोग्य अस्पताल समूह के परिसर की दूरी को देखते हुए मरीजों के लिए विधायक जी का रिक्शा नाम से 5 ई रिक्शे शुरू करने की पहल की है, जिसके तहत आज 2 रिक्शों का लोकार्पण खुद विधायक ने रिक्शा चलाकर किया। उनका कहना है कि परिसर में मरीजों की सुविधा के लिए 5 रिक्शे अपनी विधायक निधि से दे रहे हैं ताकि मरीजों को आने जाने में सुविधा हो सके और अटेंडर भी परेशान न हो। मंत्री के साथ दोनों विधायक प्रवीण पाठक और मुन्ना लाल गोयल भी मौजूद थे। अस्पताल परिसर काफी बड़ा है, एक परिसर से दूसरे परिसर में मरीज को जब टेस्ट कराने जाना होता है बड़ी तकलीफ होती है। विधायक जी का ई रिक्शा के नाम से हम लोगों ने पेशेंट्स के लिए निःशुल्क ई रिक्शा चलाया है और मुझे लगता है इससे काफी ज्यादा फायदा पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।